हेलो एवरी वन वेलकम टू माई चैनल सो टूडे वी आर डूइंग क्लास सिक्स इंग्लिश हनी सर्कल चैप्टर टू दैट इज हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ न्यू मास्टर तो इसका मतलब ये है कि डॉग किस तरीके से एक डॉग किस तरीके से अपना मास्टर ढूंढ लेता है तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं जहाँ पे हमें फोकस करना है जैसे यहाँ पे बोला है बिफोर यू रीड यू मे नो दैट द डॉग एंड द उल्फ आर क्लोजली रिलेटेड आप जानते होंगे डॉग और उल्फ एक जैसे क्लोजली रिलेट करते हैं यू मे ऑल्सो न्यू सॉरी यू मे ऑल्सो नोन समथिंग अबाउट हाउ एवर हाउ ओवर द कंट्रीज ह्यूमन बींग्स हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स हेयर इज स्टोरी अबाउट हाउ डॉग बिकम अ टेम एनिमल तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपने देखा है कि उल्फ़ और जो डॉग है वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं यू में ऑल्सो नो आपको ये भी पता होगा समटाइम्स बहुत पुराने टाइमों से ऐसा चला आ रहा है कि ह्यूमन बींग्स जो है डोमेस्टिकेट करते हैं टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स को पुराने टाइम से ही ऐसा किया जा रहा है कि डोमेस्टिक एनिमल जिसे हम कह रहे हैं वो कभी ना कभी पहले जंगली हुआ करते थे और उसे टेम्प करके उसे हमने डोमेस्टिकेट कर दिया है हेयर इज़ द स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकम अ टेम एनिमल और कैसे है? एक डॉग है जो टेम एनिमल बन गया ओके okay? तो चलिए हम ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है इसमें इंटरेस्टिंग तो फिर से मैं टाइटल पढ़ देती हूँ हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ न्यू मास्टर डॉग ने कैसे अपना एक न्यू मास्टर जो है फाउंड किया है तो अगर आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में यहाँ पे मीनिंग्स दिए गए हैं तो ये मीनिंग्स भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है इससे आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी ओके चलिए नंबर वन पॉइंट यहाँ दिया है डॉग्स वंस देयर ओन मास्टर एंड लिव्ड द वे उल्स डू इन फ्रीडम एंडिल अ डॉग वाज बोर्न हु वाज इल प्लीज विद दिस वे ऑफ लाइफ ही वाज सिक एंड टायर्ड ऑफ वेंडरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ तो यहाँ पे कहा जा रहा है डॉग्स एक टाइम की बात थी डॉग भी डॉग भी अपने खुद के मास्टर हुआ करते थे जैसे उल्फ है उनको फ्रीडम थी आंटिल एक डॉग आंटिल और डॉग बॉस बॉर्न एक डॉग बॉर्न हुआ जिसका इल प्लीज था वो बहुत ही जिस तरीके से उसको हर दिन मतलब घूम घूम के खाना ढूंढना पड़ता था बहुत थक मतलब अपने लाइफ से बहुत थक जाते हैं मतलब आप भी कभी कभी फर्स्ट्रेट हो जाते होंगे अपने लाइफ से कि क्या है हर दिन सुबह उठना है स्कूल के लिए तैयार होके जाना है ढेर सारी पढ़ाई करनी है तो हर कोई ऐसे सिक हो जाता है कि नहीं मुझे थोड़ी तो लाइफ डिफरेंट चाहिए तो एक बार ऐसे ही एक डॉग जो है वो अपनी लाइफ से तंग आ गया था और उसके बाद से ये स्टोरी चलते आ रही है कि एक डॉग को डोमेस्टिकेट किया जा रहा है तो चलिए हम इसके आगे का चा आगे का पेज देख लेते हैं कि क्या दिया है तो हमने देखा था पिछली बार में कि एक डॉग है जो बहुत ही फर्स्ट्रेट हो गया था अगर उससे पहले डॉग जो है जैसे उल्फ रहते थे फ्रीडमली वैसे ही रहा करते थे डॉग भी ठीक है तो वो बहुत तंग आ चुका थे अपने लाइफ से जहाँ पे उसको हर दिन खाने खाना ढूंढना पड़ रहा था इधर उधर घूमना पड़ रहा था तो लुकिंग फॉर फॉरवर्ड एंड बिंग फ्राइटन ऑफ दोज हुट्रोंगर दैन ही तो क्या होने लगा कि वो बहुत ज़्यादा फर्स्ट्रेट हो गया क्या है मतलब अपने दुश्मनों से भागते फिरना और हर दिन अपने लिए खाना ढूंढते रहना तो वो इस चीज़ से बहुत थक चुका था तो यहाँ पे बोला जा रहा है ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम तो ये वो सोचता है क्यों ना मैं ऐसा करूँ कि ये मेरे लिए बेस्ट होगा कि मैं किसी का सर्वेंट बन जाता हूँ मतलब किसी का नौकर बन जाते हो जो बहुत ही स्ट्रांगर होगा इस अर्थ में जो मुझे बचाएगा भी ही सेट आउट टू फाइंड इट बचाएगा भी और जिसके शरण में रह के मुझे दूसरों से डरना भी नहीं पड़ेगा तो इसलिए वो फाइंड करते हुए बाहर निकल जाता है देखने के लिए कि कहीं पे उसे वैसा मास्टर मिलेगा क्या नंबर थ्री में बोला है ही वॉक्ड एंड ही वॉक्ड एंड ही मेट अ किंग्समैन ऑफ हीज अ बेगुल हु वाज अ स्ट्रॉंगर एस ही वाज फर्स्ट तो यहाँ पे देखिए किंग्समैन का यहाँ पे आपको मीनिंग दिया गया है ओल्ड फैशन वर्ड फॉर अ रिलेटिव रिलेटिव के लिए ओल्ड फैशन वर्ड है तो जब वो वॉक कर रहा होता है वॉक करते करते वो एक किंग्स मैन से मिलता है ऑफिस मतलब अपने एक रिलेटिव से मिलता है अ बिग उल्फ हो वॉज आज स्ट्रांग अज ही वॉज फिर का फिर का मतलब है वॉयेंट फ्राइटिंग फ्राइटनिंग मतलब जिसे देख के डर लगे फ्राइटनिंग तो वो उतना बड़ा स्ट्रांग दिख रहा था वेर आर यू गोइंग वो डॉग को पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो द ओल फास्ट उल्फ पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो ठीक है तो आप देखते हैं डॉग ने रिप्लाई में क्या दिया आई एम लुकिंग फॉर सम वॉन्ट टू टेक अप सर्विस विथ वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर उल्फ़ तो वो उसे बोलता है मैं देख मैं अपने सर्विस किसे दे सकता हूँ मतलब मैं किसकी सेवा कर सकता हूँ वैसे इंसान को मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ वैसे एक इंसान को मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ आई एम लुकिंग फॉर सम टू टेक अप सर्विस विद वुड यू लाइक टू बी माय मास्टर क्या तुम मेरा मास्टर बनना पसंद करोगे उल्फ़ को बोलता है बिकॉज उल्फ थोड़ा डरावना और बहुत बड़ा था इसलिए उसे लगता है कि इसके साथ रहना ज़्यादा बेटर होगा आई डोंट सी वाई नॉट द उल्फ सेड एंड इस एग्रीड अपॉन द टू ऑफ वेंट ऑन टूगेदर तो वो बोलता है कि क्यों नहीं जरूर मैं तुम्हारा मास्टर बनना चाहूंगा और वो एग्रीड हो जाता है और वो दोनों एक साथ निकल जाते हैं ठीक है नंबर फोर में यहाँ पे दिया गया है दे वॉक एंड दे वॉक फिर जब वो वॉक कर रहे होते हैं एंड ऑल ऑफ सडन लिफ्टेड ही नोज और उल्फ ने अपने नोज़ नौ... नोज़ से सूंघा मीन्स आसपास के वातावरण को वो सूंघते हैं कुत्ते और उल्फ स्नीप डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ एंड एंड इन टू द बुशेज एंड क्रिप डीपर इं टू द फॉरेस्ट द डॉग वॉज मच सरप्राइज वॉट कम ओवर यू मास्टर ही आस्ट वॉट हैज फ्राइटनेड यू सो कॉन्ट यू सी देयर्स अबर आउट देयर एंड ही माइड इट अ बोथ ऑफ यू एंड माई यू एंड मी ओके तो वो वॉक करते हुए जब जा रहे होते हैं तो उल्फ को कुछ स्मेल सुनाई देती है तो वो अपना नाक लिफ्ट करके उसे सूंघने लगता है डार्टेड का मतलब है मूव क्विकली और सडनली और सडनली वो क्या होता है क्विकली अपने जिस रास्ते से आ रहा था उस रास्ते से उस रास्ते से भाग के वो बुशेस में छुप जाता है क्रिप डीपर और बहुत अंदर तक उसमें छिपने की कोशिश कर रहा होता है तो डॉग उससे पूछता है कि मास्टर ऐसा क्या हुआ कि आप इतने सरप्राइज हो गए और ऐसे क्यों भाग गए वॉट कॉम ओवर यू तो आप आपसे ऊपर कौन आ गया ही आस्ट और क्यों आप इतना डर रहे हो तो वो बोलता है क्या तुम देख नहीं पा रहे हो कि वहाँ पे एक भालू है और वो भालू जो है हम दोनों को खा जाएगा जब वो ऐसा बोलता है तो कुत्ता जो है वो बहुत ही ज्यादा मतलब कैसे अब उसने क्या सोचा था उल्फ जो है उसका मास्टर बनेगा ताकि उसे किसी से डरने की जरूरत ना पड़े लेकिन उल्फ को मास्टर बनाने के बाद उल्फ ही बियर से डर रहा है डर के छुप जा रहा है ओके तो यहाँ पे मीनिंग है डाटेड का मतलब है मूफ क्विकली सडनली सडनली कहीं पर मूव हो जाना और कम ओवर यू का मतलब है अफेक्टेड यू ओके तो यहाँ पे आगे देखते हैं सींग दैट द बियर वॉज स्ट्रोंगर दैन द उल्फ़ द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विथ हिम एंड ही लेफ्ट द उल्फ़ एंड आज द बीयर टू बी हीज़ मास्टर द बीयर एग्री टू दिस रेडली तो आप ये देख के कि उल्फ़ भी किसी से डरता है वो तुरंत ही उसकी सर्विस को छोड़ देता है और वो बोलता है क्यों ना मैं बियर को अपना मास्टर बना लूं क्योंकि वो उल्फ से ज़्यादा स्ट्रांगर है तो वो क्या करता है उल्फ़ को छोड़ देता है और बियर के पास जाता है और डिसाइड करता है कि मैं बियर को सर्विस दूँगा और उसको छोड़ने के बाद वो बियर के पास जाके पूछता है बियर बियर सॉरी ही लेफ्ट द ओल फनास द बियर टू बी हिज़ मास्टर बियर को पूछता है क्या आप मेरा मास्टर बनेंगे द बियर एग्रेड टू हिज रेडी वो तुरंत ही रेडी हो जाते हैं ज़रूर क्यों नहीं अगर कोई आपको बोले कि मैं आपका चेला बनना चाहता हूँ या फिर आपको मैं सर्विस देना चाहता हूँ आपको जो चीज़ की ज़रूरत होगी उसके बदले में आप मुझे अपनी टिफ़िन दे दीजिएगा तो आप भी रेडी हो जाओगे है कि नहीं कि कोई आपका जी हुजूरी करे तो हर किसी को पसंद आता है तो बियर भी खुश होकर बोल देता है यस यस आई एक्सेप्ट यू तो फिर वो उसे अपना मास्टर मान लेता है डॉग अब आगे देखते हैं क्या है एंड सेड लेट अस गो एंड फाइंड फाइंड अ हर्ड ऑफ आई विल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल्ड ठीक है तो फिर अब बियर उसे बोलता है चलो चलते हैं हम काओ के झुंड को देखते हैं अगर वो हमें मिलेंगे हार्ड मतलब झुंड ओके हार्ड का मतलब क्या होता है झुंड हार्ड हार्ड ऑफ काओ आई विल किल अ काव तो मैं काओ को मारूंगा और फिर हम दोनों अपना पेट भरेंगे नंबर सिक्स में बोला है दे वॉक ऑन एंड सुन सॉ अ हार्ड ऑफ काउ बट जस्ट आज दे वेर अबाउट टू कम अप टू इट दे वेर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइज एक टेरिबल नॉइज से वो रुक जाते हैं द काउ वेर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन ठीक है द बियर लुकड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री एंड देन टू रैन हास्टिली डीपर इन टू द इन टू द फॉरेस्ट ओके तो यहाँ पे बोला जा रहा है तो वो उसे वैसे बोलने के बाद वो लोग क्या करते हैं चलने लगते हैं और जैसे ही वो चलने लगते हैं थोड़ी देर के बाद उन्हें एक झुंड दिखता है किसके गायों की जैसे ही वो उसे मतलब बट they दे वेंट अबाउट कम to इट मतलब जैसे ही वो उन्हें मारने के लिए निकलने ही वाले थे एक टेरिबल नॉइज टेरिबल मतलब एक भयानक नॉइज ओके तो एक डरावना भयानक नॉइज़ उन्हें सुनाई देता है कि काव जो है वो मूइंग कर रही है मूइंग मतलब काव जो है डर के चिल्ला रही है उसे मूइंग कहते हैं और दौड़ रही है इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन हर डायरेक्शन में भाग रही है तो बियर देखता है आउट फॉर बिहाइंड अ ट्री तो वो क्या करता है वहाँ पर रुकता है और एक ट्री के बिहाइंड से देखता है और फिर उसके बाद उसे क्या दिखता है पता नहीं वो भी इधर उधर भागने लगता है टू हैजिटली हैजिटली

said forest in this part to wo kutta usse puchta hai ki kyu hame yahan aana तो वो कुत्ता पूछता है कि आना पड़ा? Said he to the dog, क्योंकि अब उसे बोलता है बियर मतलब उसे रिप्लाई देता है बिकॉज यहाँ पे लायन है जो फॉरेस्ट को रूल करता है इन दिस पार्ट द लायन हु इज ही तो वो पूछता है द लायन कौन है डोंट यू नो ही इज दीस्ट ऑन अर्थ तो वो बोलता है मतलब क्या होगा तो यहाँ पे बीस्ट का मतलब होता है सबसे लार्ज पशु होना ओके okay? सबसे लार्ज जानवर होना स्ट्रोंगेस्ट सबसे स्ट्रोंगेस्ट जानवर है हमारे अर्थ का क्या तुम नहीं जानते वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू तो फिर डॉग तुरंत बोलता है ठीक है तो फिर मैं तुम्हें गुड बाय कहना चाहूँगा बियर आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर दैन एनी वन ऑन अर्थ तो मैं वो मास्टर चाहता हूँ जो इस दुनिया में इस अर्थ में सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर हो ताकि मुझे डर के नहीं रहना पड़े फिर उसके बाद आगे देखते हैं एन ऑफ़ द डॉग वेंट टू आज द लायन और डॉग तुरंत ही बियर को छोड़ के लायन के पास जाता है और उसे पूछता है क्या आप मेरा मास्टर बनोगे टू बी हिज मास्टर द लायन एग्री टू लायन भी एग्री हो जाता है एंड द डॉग स्टेड विथ हीम एंड सर्व हीम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम उसके साथ रहता है और उसे बहुत सालों तक मतलब बहुत सालों तक नहीं बोला है बहुत टाइम तक उसके साथ रहता है और उसे सर्व करता है इट वॉज़ अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ तो उसके साथ रह के उसकी लाइफ जो थी वो बहुत ही अच्छी लग रही थी उसे और कुछ भी कंप्लेन नहीं थी उसके बिकॉज़ वो अपने लाइफ लाइफ से टायर्ड हो चुका था कि हर दिन उसे खाना ढूंढना पड़ता था अपने दुश्मनों से डर के भागना पड़ता था तो वो अब उसे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसे खाना ऐसे ही मिल जाता है बैठे बैठाए और उसे किससे डरने की भी ज़रूरत नहीं है तो वो अपने लाइफ से बहुत खुश था फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट दैन द लायन क्योंकि वो जान चुका था कि लायन से स्ट्रोंगर बीस्ट इस फॉरेस्ट में कोई भी नहीं है एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफ एंड हिम इन एनी वे और किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि वो उसे हाथ लगा दे बिकॉज डॉग जो था वो किसका सर्व uh, मतलब सर्विस मैन था लायन का और लायन से हर कोई डरता है बट वन डे द टू ऑफ वेयर वॉकिंग साइड बाय अलोंग तो यहाँ पे और एक दिन की बात है तो यहाँ पे देखो डेयर्ड का मतलब है टू बी ब्रेव टू डू समथिंग मतलब डेयर का मतलब है कि इतना ब्रेव होना कि कुछ करना करने की चाह होना समझ में आया

रॉक मतलब एक बड़े से रॉक को हम क्या बोलेंगे क्लिफ बोलेंगे ऑफ एन एट द एज एज ऑफ द सी तो यहाँ पे बोला गया है कि एक दिन की बात है जब दोनों साइड बाय साइड वॉक कर रहे थे और एक बेयर क्लिफ में मतलब एक बड़े से चट्टान के ऊपर जाके लायन वहाँ पे रुक जाता है और ऑल ऑफ सडन वो एक बहुत जोर से दहाड़ मारता है जो रोर कहते हैं हम जिसे इंग्लिश में ओके एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंगली विथ हिज पॉ और अपने पॉ से मीन्स अपने पैर से वहाँ पे निशाना बनाता है विथ सच फोर्स दैट द होल फॉर्म और इतने फोर्स से करता है कि वहाँ पे एक होल फॉर्म हो जाती है देन ही बिगन टू बैक अवे और फिर वहाँ से वो क्वाइटली निकलने लगता है तो वहाँ पे डॉग उससे क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज इट मास्टर इज़ एनीथिंग थिंग रॉन्ग आज द डॉग सरप्राइजली सरप्राइज तो वो मास्टर से पूछता है क्या कुछ गलत है तो, और सरप्राइजिंग के आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे तो वो बोलता है कि मैंने इंसानों की आने की खुशबू सुनी है द लायन सेड वी विल डीड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल तो अच्छा होगा कि हम यहाँ से भाग चलते हैं अदरवाइज हम यहाँ पे कोई ट्रबल में अच्छा होगा कि हम यहाँ से निकल जाते हैं अदरवाइज हम हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ नुकसान होगा तो ये किस कौन कहता है लायन कहता है ठीक है तो ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू तो वो बोलता है अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें गुड बाय कहना चाहूँगा लायन आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ तो वो बोलता है मैं एक ऐसा मास्टर चाहता हूँ कि जो इस दुनिया में मीन्स इस अर्थ में सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर हो मतलब डॉग का कहना है अगर तुम भी किसी चीज़ से डर रहे हो इट मीन्स तुम भी सेफ नहीं हो तो मुझे तुम्हें सर्व नहीं करना चाहिए मुझे उस इंसान के पास जाना चाहिए या उसके पास जाना चाहिए जो मुझे तुमसे भी प्रोटेक्ट कर सके चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विथ हिम एंड सर्वड हिम फेथफुली दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग अगो बट टू दिस डे द डॉग इज़ अ मैन मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोन नो अद मास्टर तो यहाँ पे बोला गया है एंड ऑफ और उस दिन के बाद से डॉग जो है वो इंसानों के साथ रहने लगे और उन्हें सर्व करने रह, लगे और उनके साथ वफ़ादार रहने लगे जिसके बाद से लॉन्ग लॉन्ग अगो टाइम से मतलब ऐसा होने लगा बहुत पुराने वक्त से ऐसा होने लगा कि डॉग जो है वो इंसानों का एक लॉयल सर्वेंट बन गया और उसके अलावा उनका कोई मास्टर नहीं बना तो ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी इस कहानी में हमें ये सीखने को मिला कि हर कोई हर उस इंसान के साथ रहना चाहता है जो सबसे स्ट्रोंगर हो वैसा कुत्ता भी चाहता था अदरवाइज अगर वो ऐसा नहीं चाहता तो शायद वो भी अभी उल्फ के बराबरी में जंगल में होता राइट तो चलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें तब तक के लिए स्टेट एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई विल पोस्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर तब तक के लिए बाय